गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 10 प्रोडक्ट जो कि होने वाले हैं अंडर 100 रुपीज़। इनमें स्किन केयर भी है और मेकअप भी है। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कौन कौन से हैं ये प्रोडक्ट, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करिएगा, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगी। अंडर 100 रुपीज़ हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, जो कि मैं आगे वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पॉइंट नंबर 2, अगर इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट आपको नहीं पसंद आया हो या इनका जो वर्क है वो आपके लिए अच्छा ना रहा हो, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को लाइक करना डिसलाइक करना ये हमारी पर्सनल चॉइस और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है एक लिप बाम, और ये है लिप्स का लिप मॉइस्चराइजर। इसका प्राइस है 99 रुपीज़, जिसमें आपको 9 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। इस लिप बाम में 2 क्वालिटी सबसे अच्छी है। पहली क्वालिटी की ये है कि ये लिप बाम SPF के साथ आता है, तो इसमें आपको मिल जाता है SPF 15 आई थिंक। और सेकेंड पॉइंट ये है कि ये लिप बाम पैराबेन फ्री है, तो केमिकल फ्री भी है। साथ ही साथ ये आपके लिप्स को हील, रिपेयर, सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के साथ साथ आपके लिप्स को इवन टोन भी करता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जैसे हमारे स्किन पे सन की हार्मफुल रेस का इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही हमारे लिप्स पे भी उनका बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से लिप्स भी पिगमेंटेड हो जाते हैं, अनइवन हो जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने SPF वाला लिप बाम ट्राई नहीं किया है तो ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि SPF जितना हमारी स्किन या हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना लिप्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको ये लिप बाम बहुत पसंद आएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये कलर फ्री है, तो लिप्स इसकी वजह से बिल्कुल फटते भी नहीं है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लिप बाम मार्केट में ऐसे हैं जिनमें एडेड कलर होते हैं, और उनकी वजह से लिप्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा फटने लगते हैं, तो इस लिप बाम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है पॉन्स से, और ये है इनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। पहले इसका प्राइस था 105 रुपीज़, बट अभी इसका जो प्राइस है वो है 89 रुपीज़, और इसमें आपको 49 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। और इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में मुझे ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसे यूज़ कर चुके होंगे या यूज़ कर रहे होंगे। क्योंकि ये आई थिंक मेरी तो पहली विंटर क्रीम है जिसे मैंने ट्राई किया था, और विंटर के लिए परफेक्ट होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑल पर्पज़ है, तो आप इसे अपने लिप्स के लिए, फेस के लिए, हैंड के लिए, बॉडी के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छी भी है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये ना पसंद हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे तो बहुत पसंद थी और अभी भी मुझे ये उतनी ही पसंद है, और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद भी है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइट वेट है, थिक दिखती है बट ये स्किन पे थिक नहीं है, हैवी नहीं है, ग्रीसी नहीं है, तो काफ़ी लाइट वेट है और काम बहुत अच्छा करती है। और नेक्स्ट पॉइंट, इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है, फ्रेग्रेंस परफ्यूम है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट प्रोडक्ट है ममा अर्थ से, और ये है इनका ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद एप्पल साइडर विनेगर, और ये है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। और इसका जो प्राइस है वो है 99 रुपीज़, और इसमें आपको 25 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। और ये प्रोडक्ट पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, और साथ ही साथ क्रुएल्टी फ्री है और नॉन कॉमेडोजेनिक है, जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ये मॉइस्चराइजर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आपको ये मॉइस्चराइजर बहुत पसंद आएगा। क्योंकि ये लाइट वेट है और स्किन को बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीसी या चिपचिपा ऐसा नहीं बनाता है, तो फिलहाल मुझे तो बहुत पसंद आया था। मैंने इसके रिव्यू वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें परफ्यूम है, मतलब मेंशन तो नहीं किया गया है जहाँ तक मैंने देखा है, हाँ कहीं पर मेंशन तो नहीं है, बट इसकी जो परफ्यूम है ना वो बहुत माइल्ड
और बहुत हल्की है, मतलब थोड़ी देर के बाद 1 मिनट के अंदर ही वो फेड भी हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है अगर आप ट्राई करना चाहें तो, और नॉन कॉमेडोजेनिक है तो आपके पोर्स को ये क्लॉग नहीं करेगा या आपके पिंपल और एक्ने को हर्ट भी नहीं करेगा, तो ट्राई करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लैक्मी 9 to 5 की सीसी क्रीम, और ये है इनकी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। इसमें 3 शेड आते हैं, बेज, हनी और ब्रॉन्ज, और मेरा जो इसमें शेड है वो है बेज। इसका प्राइस है 105 रुपीज़, जिसमें आपको 9 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। आई नो ये 100 से थोड़ा सा ऊपर चला गया, बट जब भी आप इसे बाई करें, अगर आप इसे ऑनलाइन बाई करती हैं तो आपको कभी भी फुल प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब भी बाई किया है तो मैंने कभी फुल प्राइस पे नहीं किया है। ऑनलाइन आपको हमेशा ही सेल मिल जाएगी, और ये प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पे इजीली मिल जाएगा। और अगर मैं सीसी क्रीम की बात करूँ तो ये आपकी स्किन की इवन आउट करने के साथ साथ, आपकी स्किन को इवन आउट करने के साथ साथ कंसील भी करती है। तो अगर आपको बहुत डार्क सर्कल नहीं है, हल्के फुल्के डार्क सर्कल हैं, आपके स्किन थोड़ी सी अनइवन है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। मीडियम टू फुल कवरेज है, कवरेज को आप बिल्ड कर सकती हैं, सेकेंड लेयर अप्लाई कर सकती हैं या क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा ले सकती हैं। फिलहाल मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लाइट वेट है, काम बहुत अच्छा करती है, ऑक्सीडाइज होती है बट उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होती है, तो विंटर के लिए परफेक्ट है, समर के लिए परफेक्ट है। अगर आपको आपका परफेक्ट शेड मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। शेड रेंज बहुत कम होती है बट चलता है, क्योंकि बीबी क्रीम सीसी क्रीम में शेड इतनी ही देते हैं तो ठीक है। अब आ जाती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लू हेवन का मैट वॉक फ्री आईलाइनर, वाटर प्रूफ, रब प्रूफ, अल्ट्रा ब्लैक, क्विक ड्राइंग, लॉन्ग वियर। फिलहाल इसके क्लेम तो बहुत सारे हैं, और इसका प्राइस है 75 रुपीज़, जिसमें आपको 9 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। और अगर आप बिगिनर हैं, आप कंफ्यूज हो रही हैं कि आपको कौन सा आईलाइनर बाय करना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट अच्छा हो, एप्लीकेटर अच्छा हो, पैकेजिंग अच्छी हो, सब कुछ, और प्राइस भी अच्छा होना चाहिए, तो आपको ब्लू हेवन का ये वॉक फ्री आईलाइनर, मैट आईलाइनर जरूर ट्राई करना चाहिए। मतलब देखने में भी आप देख सकती हैं कि पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही है, और इसका जो एप्लीकेटर है ना, मतलब उसकी तो जितनी तारीफ करो कम है। और सबसे अच्छा है पॉइंट ये है कि जो ये पॉइंट है होल्ड करने के लिए, ये ग्रिप बहुत अच्छी आती है, और क्योंकि इसका एप्लीकेटर काफ़ी लंबा है तो आप इससे इजीली आईलाइनर ड्रॉ कर सकती हैं। और मैंने अब तक जितने भी आईलाइनर बाय किए हैं, यूज़ किए हैं, उनमें बहुत सारे आईलाइनर मेरे फेवरेट हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल फेवरेट हो गया है, अब तक का सबसे अच्छा आईलाइनर मुझे यही लगा है। अच्छा, एक पॉइंट है, आप में से बहुत सारे लोगों को जो वॉशेबल वाले प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं पसंद होते हैं, या फिर वाटरप्रूफ आईलाइनर पसंद होता है। वैसे ये क्लेम करता है कि ये वाटरप्रूफ है, बट मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने बहुत बार शेयर किया है, तो मेरे लिए ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है, मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट है कि ईजिली रिमूव हो जाए, तो आईज़ को ज़्यादा रब नहीं करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे ये आईलाइनर बहुत पसंद है। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो सेकंड थॉट मत रखिएगा, आपको ये आईलाइनर जरूर ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगा। कलर, पिगमेंटेशन, स्टेइंग पावर, पैकेजिंग, प्राइस, सब कुछ ऑन पॉइंट है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई कर सकते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है NYWay के नेल पॉलिश, और वैसे तो इसमें मैंने काफ़ी सारी नेल पॉलिश बाई की थी, आई थिंक 9 या 10 नेल पॉलिश मैंने बाई की थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने 3 वेरिएंट में नेल पॉलिश बाई की है। पहला वेरिएंट है मैट का, दूसरा है न्यूयॉन, और तीसरा है थोड़ा सा शाइनी या सिमरी, जो कि अभी मैंने अपने नेल्स पे अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें मैंने 3 वेरिएंट में नेल पॉलिश बाई की थी। अगर मैं तीनों वेरिएंट की बात करूं तो तीनों ही वेरिएंट बहुत अच्छे हैं। शेड, अगर आप कोई डार्क शेड बाई कर रही हैं तो आपको पता ही होगा कि डार्क शेड की जो पिगमेंटेशन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है लाइट शेड के कंपैरिजन में, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं नेल पॉलिश की बात करूँ,
बहुत अच्छी नेल पॉलिश है, और इससे पहले भी मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मुझे NYB की नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि प्राइस इनका बहुत अफोर्डेबल होता है। आई थिंक ओरिजिनल प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ की अप है किसी किसी नेल पॉलिश का, लेकिन जो सेल प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने इनमें से कई सारी नेल पॉलिश ऐसी है जिन्हें मैंने अंडर 30 रुपीज़ में बाई किया था, तो 50-60 के अराउंड ही सारी नेल पॉलिश हैं, लेकिन पर्पल पे आपको पता ही होगा कि बहुत सारी सेल्स चलती रहती हैं, तो आपको इनसे कम प्राइस में इजीली मिल जाएगी। एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आप ये येलो नियॉन जो है शेड 05 नियॉन येलो अगर आप ये बाई करती हैं, तो एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि इससे कम से कम 3 से 4 कोट आपको अपने नेल्स पर अप्लाई करने होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शीयर है, तो सी थ्रू नेल्स होते रहते हैं, इसलिए कवरेज के लिए आपको 3 से 4 कोट नेल्स पे अप्लाई करने होंगे। और इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना है कि जितने कोट आप बढ़ाते जाएंगे ड्राई होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखिए और टाइम लीजिए, अप्लाई करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन्हें ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है। जितने कोट आप बढ़ाते जाएंगे उतना नेल पॉलिश जो है वो मोटी लेयर होती जाएगी और ड्राई होने में उतनी ही टाइम लेगी। अब बारी आती है इस मैट नेल पॉलिश की, तो मैंने इसमें 2 शेड बाई किए हैं, एक थोड़ा सा पीच टाइप का है और दूसरा है ये 05। फिलहाल सेकेंड शेड जो है वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन अगर आप ये शेड बाई करती हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे देखने में ये आपको बहुत ज़्यादा डल दिख रहा है, लेकिन जो गुलाब का फूल होता है, जो उसका कलर होता है थोड़ा सा कहीं पर मरून कहीं पर पिंक, एक मतलब बहुत प्यारा सा कलर है जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकती हैं, एग्जैक्ट वही कलर इस नेल पॉलिश का भी है। तो अगर आपको गुलाब का वो जो फूल होता है उसका कलर पसंद है, जो रेड वाला गुलाब होता है उसका कलर पसंद है, तो आपको ये नेल पॉलिश का कलर बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसका जो कलर है जो शेड है एग्जैक्ट वही है। और मैंने इसे जितना यूज़ किया है मुझे ये पैर के नेल्स में ज़्यादा अच्छी लगती है, हाथ के नेल्स में उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी कि पैर के नेल्स में। तो ओवरऑल नेल पॉलिश बहुत अच्छी है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकती हैं, अगर आप नेल पॉलिश की फ़ैन हैं, नेल आर्ट की फ़ैन हैं, तो आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वैसलीन से, और ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही इसे न्यू बाय किया है, और ये है वैसलीन का इंटेंसिव केयर ऑल पर्पस क्रीम, जो कि आप लिप के लिए यूज़ कर सकते हैं, बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ऑल पर्पस है, बहुत अच्छी बात है। और इसका प्राइस है 32 रुपीज़, और जैसे बोरो प्लस होता है ना, बोरो प्लस तो सभी ने विंटर में यूज़ किया होगा, एग्जैक्ट कुछ वैसे ही ये भी काम करता है, तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगा, और पॉकेट के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप इसे अपने हैंडबैग में या पर्स में कैरी कर सकती हैं, तो बहुत अच्छा है। और इसे मैंने क्यों बाई किया है मैं इसे बाद में शेयर करूँगी, फिलहाल बहुत अच्छा है, ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि मैं सर्च कर रही थी बोरो प्लस, बट मुझे बोरो प्लस नहीं मिली, तो मैंने उसकी जगह पे ये बाय किया है। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ममा आर्ट से, और ये है इनकी अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विद कैरेट सीड एंड टर्मरिक, और इसका जो प्राइस है वो है 99 रुपीज़, और इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो है 25 ग्राम की। ये सनस्क्रीन पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, और साथ ही साथ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। इसके रिव्यू वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे ये सनस्क्रीन पसंद आई है, वाइट कास्ट ना के बराबर होता है बट ना के बराबर होता है, लाइट वेट है, बिल्कुल भी ऑयली ग्रीसी या चिपचिपा ऐसा नहीं फील होता है, तो फिलहाल सनस्क्रीन बहुत अच्छी है। और इसमें आपको मिल जाता है SPF 50 PA++, तो काफ़ी अच्छी बात है, और पॉकेट के लिए भी अच्छा है कैरी करने के लिए, अगर आप जैसे ऑफिस कॉलेज के लिए कैरी करना चाहें रीअप्लाई के लिए या रीअप्लीकेशन के लिए, तो उसके लिए भी ये प्रोडक्ट, ये साइज बहुत अच्छा है। और सनस्क्रीन की मैं बात करूं, अगर आप फुल साइज़ बाई करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्मीटन ऐप से ये छोटा साइज़ बाई कर सकती हैं, ट्राई कर लीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसे ईजिली बाई कर सकती हैं।
नेक्स्ट प्रोडक्ट है पॉन्स से, और ये है पॉन्स का मिनरल क्ले मास्क, जिसका प्राइस है 30 रुपीज़, और इसमें आपको 8 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। और इसमें आई थिंक जो फेस पैक है वो ऐसे ही पाउच में आता है, लेकिन फेस वॉश जो है वो तो ट्यूब में आता है। तो अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल ट्राई करना चाहती हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल के जो फेस पैक होते हैं वो कैसे काम करते हैं या वो कितना अच्छा काम करते हैं, तो आपको ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। सैशे में आपको लोकल सुपरमार्केट में या लोकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। खैर रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन तो आपको ईजिली मिल ही जाएगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डीप क्लीन कर देता है। मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जब भी मैं कोई फेस पैक यूज़ करती हूँ तो मैं उसे कैसे जज करती हूँ। पहला पॉइंट यह है कि फेस पैक जो क्लेम करता है उसके अकॉर्डिंग वो सही होना चाहिए। अगर वो उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है तो मैं वो फेस पैक यूज़ नहीं करती हूँ। ये मैंने हमेशा ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल जो ये फेस पैक है, ये क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को डीप टॉक्स करता है। उसका काम ये बहुत अच्छे से करता है। आपकी स्किन को डीप क्लीन भी करता है और आपकी स्किन को डीप टॉक्स भी करता है। तो इसलिए मुझे ये फेस पैक बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसमें फेस वॉश और फेस पैक का कॉम्बो भी आता है। तो अगर आप दोनों ट्राई करना चाहें तो दोनों बाय कर सकती हैं, या फिर अगर आप सिर्फ फेस पैक ट्राई करना चाहती हैं तो आप सिर्फ फेस पैक ट्राई कर सकती हैं। आपको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। लास्ट प्रोडक्ट है नेल पॉलिश, और ये है बेला वोस्टा की नेल पॉलिश। इनका जो प्राइस है वो है आई थिंक 99 रुपीज़। इसमें कई सारे शेड आते हैं, मेरे पास खुद इसमें 3 शेड है, एक 25 बीच बेब और एक है ब्लैक ब्यूटी और तीसरा है ये 23 ड्यू मी। लेकिन अगर मैं बीच बेब की बात करूं जो कि 25 है, येलो कलर है, दूसरा है ब्लैक शेड, वो दोनों ही शेड कहीं ना कहीं उनमें कुछ माइनस पॉइंट हैं। जैसे ब्लैक वाला जो नेल कलर है वो अच्छे से इवनली अप्लाई नहीं होता है। येलो की अगर मैं बात करूँ, एक कोट सिंगल कोट जब आप अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा शीयर होता है, कहीं कहीं से नेल्स जो हैं वो सी थ्रू होते हैं। तो अगर आप सेकेंड लेयर अप्लाई करते हैं तो बाप रे, ड्राई होने में ना, मतलब मैंने अप्लाई किया था 15 से 20 मिनट के बाद भी ऐसे देखने में लग रहे थे कि हाँ नेल पॉलिश ड्राई हो गई है, लेकिन वो नेल पॉलिश ड्राई नहीं हुई थी, और उसकी वजह से मुझे वो नेल पॉलिश उतनी पसंद नहीं आई। तो रही बात इस शेड की, तो इस शेड में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल कोट आप अप्लाई करिए, ड्राई होने दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर आप डबल कोट अप्लाई करिए, आपको एग्जैक्ट शेड भी मिल जाएगा और ड्राई होने में टाइम लेते हैं। तो हाँ, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 10 से 15 मिनट तो ले ही लेगा ड्राई होने में। बाकी शेड बहुत अच्छा है, और ये है शेड नंबर 23 ड्यू मी। बहुत अच्छा शेड है जो आपको अभी कैमरे पर दिख रहा है, एग्जैक्ट यही शेड है। तो काफ़ी अच्छी नेल पॉलिश है, और मैंने अपने नेल पॉलिश कलेक्शन वाले वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कौन सी नेल पॉलिश कैसी है या किस नेल पॉलिश को आपको बाय करना चाहिए और किसकी स्टेइंग पावर ज़्यादा अच्छी है। वैसे अगर मैं इसकी स्टेइंग पावर की बात करूँ तो इसकी स्टेइंग पावर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है कि घर के काम करने के बाद भी ये नेल पॉलिश आपके नेल्स पे 4 से 5 दिनों तक ईजिली स्टे कर जाती है। तो बहुत अच्छा है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई करें। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपने ट्राई किया है और आपको प्रोडक्ट वो कैसा लगा या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।